Hello and welcome to Rebooting Minds. I'm Dr Praveen Singh Deepak. I'm back once again with my new powerful video. आज मैं आपको सक्सेसफुल लोगों की सफलता का राज बताता हूँ और वह राज है टाइम मैनेजमेंट। अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता, अरे मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। अक्सर लोग ऐसी बातें करते हैं, बट दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट दैट ईच एंड एवरी पर्सन लिविंग ऑन दिस प्लैनेट अर्थ हैज ओनली 24 आवर्स इन अ डे। 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त किसी के पास नहीं है, चाहे वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो अथवा सबसे कमजोर व्यक्ति। और इसी 24 घंटे में कुछ लोग अपने लाइफ की ऐसी प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग करते हैं कि उनकी लाइफ बन जाती है, और कुछ लोग टाइम का रोना रोते रहते हैं। सफल व्यक्ति जिन स्टेप्स को फॉलो करके टाइम मैनेजमेंट के साथ अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं, उन्हीं स्टेप्स को आप भी अपनी आदत में शुमार करें। मेरा दावा है सफलता आपके कदमों में होगी। फर्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट योर डे अर्ली। सुबह जल्दी उठें। सुबह के वातावरण में सबसे अधिक ऊर्जा, स्फूर्ति और ताजगी होती है। सुबह उठने से आपको समय भी ज़्यादा मिलेगा और दिन भर आप ऊर्जावान बने रहेंगे। नंबर टू, मेडिटेट डेली। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 5 से 15 मिनट के लिए प्रतिदिन मेडिटेट करें। इससे आपके विचारों में स्थिरता आएगी, आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। नंबर थ्री, डोंट बी एन इंटरप्शन मैग्नेट। आपको इंटरप्शन मैग्नेट नहीं बनना है। बहुत सारे लोग मैग्नेट की तरह डिस्ट्रैक्शन और इंटरप्शंस को इनवाइट करते रहते हैं, जिसके कारण टाइम तो वेस्ट होता ही है, साथ ही आउटपुट भी प्रभावित होता है। ऐसा करने से आपको बचना है, आपको इंटरप्शन मैग्नेट नहीं बनना है। नंबर फोर, एंड योर साइलेंट प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी किसी भी काम को टालने की प्रवृत्ति, और यही प्रवृत्ति धीरे धीरे से हमारी आदत बन जाती है, और यह कब हमारी आदत बन जाती है हमें पता ही नहीं चलता। दिस हैबिट इज वेरी डेंजरस एंड एक्ट एज अ साइलेंट किलर ऑल्सो। सैकड़ों वर्ष पूर्व संत कबीरदास ने कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और आज भी उनकी यह बात प्रासंगिक है। आपको कोई भी आवश्यक काम टालना नहीं है, उसे तुरंत करना है और इसे अपनी आदत में शुमार करना है। नंबर फाइव, स्टॉप रैंडम फोन चेक्स। आपको पता है प्रत्येक दिन सामान्य व्यक्ति औसतन 3 घंटे का समय बर्बाद करता है। मोबाइल फोन ने तो ऐसी आदत खराब कर रखी है कि लोग एक दिन में लगभग 200 बार फोन चेक करते हैं। सोशल मीडिया पर एक बार समय बर्बाद करने की लत लग गई तो बाहर निकलना मुश्किल है। आप अपने कार्यों को प्रायोरिटाइज करें और थोड़े समय के लिए ही सोशल मीडिया आदि का प्रयोग करें और रैंडम फोन चेक की प्रवृत्ति से बाहर आए। एंड द लास्ट पॉइंट इज गो टू बेड विद सेटिस्फैक्शन। रात को सोने से पहले आप अपनी दिन भर की गतिविधियों को एनालाइज करें। दिन भर में जो भी खाली समय निकलता है उसका सदुपयोग करने की योजना बनाएं। अगला दिन और बेहतर कैसे हो इसकी प्लानिंग करें और आत्मसंतोष के साथ सो जाएं। यदि आपने इन 6 आदतों को अपनी जीवनचर्या बना लिया तो निश्चित रूप से आप खुद में बड़ा बदलाव महसूस करेंगे और समय के सदुपयोग से आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन दिखाई देंगे। आई होप यू विल फॉलो दीज हैबिट्स एंड स्टॉप वेस्टिंग टाइम इन योर लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।